आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। सावन के महीने में भगवान की आराधना के प्रति खासा उत्साह भक्तों में देखा जाता है। यही वजह है कि भजन संध्या सहित अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से भक्ति में लीन नजर आते हैं। इसी कड़ी में भगवान विट्ठल की भी पूजा अर्चना के साथ भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने भगवान विट्ठल की पूजा अर्चना करने के बाद भजन कार्यक्रम के माध्यम से खुशहाली का संदेश दिया। इस मौके पर विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से भी लोगों को संदेश देने की कोशिश की गई। जी, पंडरीनाथ महाराज की जय। ये मंदिर की स्थापना अपनी 1903 में हुई है। पंडरीनाथ महाराज का मंदिर है ये। पंडरीनाथ महाराज और रुक्मिणी देवी का विष्णु रूप है ये। इसमें दो पर्व होते हैं, बहुत मतलब मान्यता है इसमें, आषाढ़ी उत्सव और कार्तिकी उत्सव। तो आषाढ़ी उत्सव में तिंडी आती है अलग अलग जगहों से, और एकादशी से पूर्णिमा तक इसमें पूरा विधि विधान से इसमें पूजा होती है। बाहर से कीर्तनकार आते हैं महाराष्ट्र से। मराठी भाषा में ये पूरा आयोजन होता है। चार दिन का रहता है, या चार या पाँच दिन का, एकादशी से पूर्णिमा तक। पूर्णिमा को गोपाल काला का ये होती है नैवेद्य प्रसाद दिखाया जाता है, सबको वितरण होता है उसमें। और ऐसे ही कार्तिक उत्सव में भी आयोजन होता है, उसमें काकड़ आरती का एक थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है। सवेरे 5:30 बजे के आसपास आती है, भक्तगण आते हैं, और 5:30 से 6:30 बजे तक काकड़ आरती होती है। पूरा महीना भर चलता है ये। और उसमें भी एकादशी से पूर्णिमा तक ये आयोजन होता है, उत्सव का आयोजन होता है। ये बहुत तब से परंपरा शुरू है, जब से स्थापना हुई है। आज भगवान की दया है, यशवंत गोवर्धन इनके आयोजक है, और हम लोग की भी सेवा इसमें होती है, तो भगवान की दया है शुरू है। जी, आपका नाम? मैं डॉक्टर वैशाली गोवर्धन, और यहाँ का जो संस्थापक, जो मुख्य देखरेख करते हैं, वो मेरे पति श्री यशवंत गोवर्धन। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।